हाग नीदरलैंड में है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ओपीसीडब्ल्यू क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज मिला है यस और नो हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल द आंसर इज लॉर्ड कर्जन लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लेड किया था रिवोल्ट 1857 अगेंस्ट ब्रिटिशर्स सो दीस आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस आज के सवाल है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई सी एम आर इसकी अक्सर रिपोर्ट गाइडलाइंस हमने देखा है कोविड टाइम कोविड नाइनटीन के टाइम पर तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आदि पूरम अभी सेलिब्रेट किया गया था ये किस राज्य में सेलिब्रेट होता है तमिल में संगम लिटरेचर है उसमें विच बुक इज द सीक्वल ऑफ़ एन एपिक शिल्पाधिकारम दो बुक्स है शिल्पाधिकारम सीक्वल

आज की वोकेबलरी है रिजीम जैसे अफगानिस्तान में न्यू रिजीम एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट गवर्नेंस टेन्योर जोरिस्डिक्शन अथॉरिटी ये सारे इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं बेलेजर का मतलब होता है वो हॉस्टाइल है वॉर लाइक है एग्रेसिव है मिलिटेंट है कॉम्बैटिव फाइटर ऑफेंसिव वॉरियर टेंडेंसी है रिस्पाइट मतलब थोड़ा आराम डिले हुआ है पॉज रेस्ट इंटरमिशन है हॉल्ट स्टॉप गैप मोरेटोरियम है स्टेड फास्ट है स्टेड फास्ट है टू वर्ड्स योर ड्यूटी डिफिकल्टी फॉर्म एंड अनवेवरिंग आप वहाँ पे दिस कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड शो कर रहे हो स्टेड फास्ट डेलीकेसी का मतलब होता है काफ़ी अच्छा फूड है स्पेसिफिक है किसी रीजन या कल्चर का सो दीज आर सम वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टूडे इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं तालिबान अजर्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान कल ये बहुत हॉरिफिक सीन्स हमने देखे तालिबान काबुल एयरपोर्ट में दिस इज ग्रीटिंग्स एंड दिस इज अबाउट नवरोज नवरोज मुबारक हैप्पी पारसी न्यू ईयर दिस इज फॉल ऑफ काबुल एडिटोरियल टेक है बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन अ सर्क्युलर इकोनोमी फॉर प्लास्टिक द मैसेज फ्रॉम द आई पी सी सी रिपोर्ट द बिग अपॉर्चुनिटी अबाउट डेमोग्राफी एजेंसीज ब्रेज फॉर शार्प राइज़ इन ड्रग ट्रैफिकिंग ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन मस्ट है इंडिया का ये इंडियन एंबेसडर है यूएनएससी में इन्होंने अफगानिस्तान सिचुएशन पे अभी स्टेटमेंट्स दिए चाइना सेज इट होप्स तालिबान विल एनशोर स्मूथ ट्रांजिशन डब्ल्यूपीआई के नंबर आए हैं और इंडियन पेपर्स फुल ऑफ फेमस विन ओवर शमी बम्बरा शो विद बैट कल हमने टेस्ट मैच जीता यूके लंदन में देन प्रेसिडेंट साहब का मैसेज है ऑफिस ओपन हो रहे हैं स्कूल ओपन हो रहे हैं और ये ओडिशा का बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है स्कूलिंग में दैट इज मो स्कूल मो स्कूल हर ओन लैंड स्टार्टअप एंड स्टैंड टॉल हिंदी में कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था जनजातियों के बारे में आज हम देखते हैं जनजातीय आजीविका कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस इज सी सेट सोलूशन इन सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट

अपने तो नाम में ही इंडिया है तो हमारा जो डिस्कशन है लाइन ऑफ थॉट्स है लाइन ऑफ एक्शन है इसमें इंडिया फर्स्ट है इंडिया फर्स्ट है इंडियन इंटरेस्ट ओके नाउ लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन नाउ सी ये बात है तालिबान का तालिबान अजर्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान एज पुलिस विदड्रॉ मिलीटेंट्स टेक ओवर चेक पॉइंट इन काबुल अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो है इसको कनेक्ट करना है इंटरनेशनल रिलेशन से इसको कनेक्ट करना है हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री इंडियन इंडिया की सिक्योरिटी सेफ्टी और जो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल ओवर वर्ल्ड हम एम्पेसाइज करते हैं वासुदेव कुटुंबकम अभी यहाँ जो क्राइसिस होगा उसको कैसे रोका जाए और अगर क्राइसिस फर्दर डीपन होता है तो उसको कैसे डील करें ये सारी चीज़ें हमारे स्कोप ऑफ़ डिस्कशन में है डे आफ्टर द फॉल पियरफुल डेस्परेट अफगान्स स्वाम काबुल एयरपोर्ट इन बिट्टू फ्ली तालिबान रूल ये बड़ा हार्ट रेंजिंग ऐसे यहाँ पे सीन्स आए इतना ज्यादा डरे हैं यहाँ पे लोग और इतना ज़्यादा एट्रोसिटीज का भय है कि वो प्लेन पे ऐसे हैंग करके कंट्री को फ्ली करने के लिए भी रेडी थे पीपल क्लंग ऑन द साइड ऑफ द यू एस मिलिट्री प्लेन प्लेन एज ए टैक्सी डाउन ऑन द रन वे मंडे दिस इज वेरी 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 सोरो स्टेट ऑफ अफेयर्स ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस है अब सी यहाँ हम देखते हैं कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या से है और क्या स्कोप उनका लाइन ऑफ एक्शन हो रहा है अफगान पीपल जो देखें तो दो दे आर ऑब्वियसली वेरी डिस्ट्रेस्ड और अफ़गान डिवाइडेड भी यहाँ पे नज़र आया अफ़ान को आज ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड की हेल्प की पूरे वर्ल्ड को साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए अफ़ानी पीपल नीड अवर हेल्प वर्ल्ड का हेल्प चाहिए यू एस ए की बात करें तो यू एस ए ने इस्पॉन्सिबल इवेकुएशन किया है कोई प्लानिंग नहीं किया कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे बागराम जो एयरपोर्ट था उसको इसने पहले ही क्लोज कर दिया तो स्ट्रैटी जो है यू एस ए की ऑल्दो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने इंटेंशनस क्लियर कर दिए थे कि ये जो अफगान का एक्शन है यूएसए का एडवेंचर है ये मिस एडवेंचर ज़्यादा है ओबामा ने अपनी बुक में भी लिखा है कि अफगानिस्तान से इवैक्यूएट करना हमारी प्रायोरिटी है ओबामा के बाद प्रेसिडेंट आए ट्रंप ट्रंप ने भी डिक्लेयर किया कि अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन होगा देन इसके बाद जब बाइडन आए और बाइडन जो हैं वो ओबामा के डेप्यूटी रहे तो ऑब्वियसली बाइडन जो हैं वो ओबामा की जो पॉलिसीज हैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे और उस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे वही हुआ बट द प्रॉब्लम इज इरेस्पॉन्बल इुएशन हुआ जो यू से एक्सपेक्टेड था वो यहाँ पे डिलीवर नहीं किया यू एस लॉस द वॉर लॉस द फेस एज वेल 20 इयर्स सो मच ऑफ मनी सो मैनी लाइव्स एंड वी आर एट दिस सिचुएशन अफगान लीडर्स की बात करें तो हामिद करजई बने थे प्रेसिडेंट हामिद करजई के बाद बने दिस अशरफ घनी तो यहाँ फेलियर दिखा है अशरफ घनी प्रसिडेंटशिप का भी गवर्नमेंट का फेलियर भी है फ्ली द कंट्री अफ़गान की मिलिट्री अगेन वेरी वेरी इेस्पॉन्सिबल दे पुट अप फाइट बिना फ़ाइट के ही उन्होंने यहाँ पे सरेंडर कर दिया पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया है तालिबान को सपोर्ट किया है बट अब एक नया डेवलपमेंट यहाँ पे ये हो रहा है कि तालिबान को क्या वो कंट्रोल कर पाएगा बिकॉज तालिबान और मिलिट्री का फाइट होता अफ़गान मिलिट्री का तो तालिबान को हेल्प की ज़रूरत पड़ती और वो हेल्प आती पाकिस्तान से तो तालिबान सम हाउ डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंसी आती पाकिस्तान में बट अब ये केस तो हुआ ही नहीं तालिबान ने खुद ही ये वॉर जीत लिया अफगान मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया प्लस पीपल का भी कुछ हद तक यहाँ पे इनको सपोर्ट मिला है सम लोकल्स का तो कंट्रोल तालिबान पाकिस्तान कर पाएगा अब ये डाउटफुल है चाइना तो अपना चेकबुक डिप्लोमेसी रखता है मनी स्पीक्स रिकग्निशन तुरंत दिया है चाइना ने तालिबान की इस न्यू गवर्नमेंट को विच इज अगेन क्वेश्चन बी और इन्वेस्टमेंट्स और रिसोर्सेज दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है तो पहले पाकिस्तान था सी अब ये जो अफगानिस्तान है ये भी एक इंपॉर्टेंट पिलर बनेगा बी का इन्वेस्टमेंट हैं रिसोर्सेज हैं तो चाइना इज मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स दिस जोग्राफी दिस लैंड बजाय दिस पीपल ऑफ अफगानिस्तान चाइना ने इमिजिएटली रिकोगनाइज भी दे दिया है तालिबान गवर्नमेंट को रशिया की बात करें तो रशिया इज़ हैप्पी गॉट रेड ऑफ द यूएसए फ्रॉम सेंट्रल एशिया टेसेट अप्रूवल अगेन तालिबान को दिया है बिकॉज यू नो कुछ टाइम पहले दोहा टॉक्स हुई थी कतर टॉक्स भी हुई थी उसमें रशिया काफ़ी सपोर्टिव हो रहा था तालिबान का हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे मिनिस्टर ने भी यहाँ पे बात किया था तो तालिबान का यहाँ पे रशिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनका एक स्टेटमेंट आया था कि तालिबान इज़ अ रियलिटी दिस इज़ अ न्यू रियलिटी ये स्टेटमेंट था सो देर इज़ सम समेसिट अप्रूवल डिस्टर्बेंस इज ऑब्वियसली गुड फॉर रशिया कैंसल प्लेंटी ऑफ वेपन्स तालिबान की बात करें तो तालिबान को ज़रूरत है अभी इंटरनेशनल रिकोगनीशन की अगर वो बाय फोर्स करता है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करता है अगर एट्रोसिटीज करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो तालिबान वॉन्ट्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन सो फॉर सम टाइम एटलीस्ट स्टेबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश करेगी ये नई गवर्नमेंट अब यहाँ एक नया नेक्सेस बनता नजर आ रहा है चाइना पाकिस्तान तालिबान दिस इज द कॉज ऑफ वरी ये जो नया नेक्सेस वर्क करेगा ये इंडियन इंटरेस्ट के फेवर में करेगा या नहीं करेगा इंडिया जो है इंडिया का यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेफ करें हमारे नेशनल्स को और हमारे नेशनल इंटरेस्ट्स को रिफ्यूजी क्राइसिस एक रियलिटी नज़र आ रहा है इंसरजेंसी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है जैसे पहले हुआ था गोल्डन क्रेसेंट एक नई चीज़ है गोल्डन क्रेसेंट क्या होता है कि जैसे तालिबान है इनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो है ड्रग्स और इन सब की सेल का दो जो एरियाज़ है ना ये नोटोरियस है एक तो गोल्डन क्रेसेंट है और एक गोल्डन ट्राइंगल है जो गोल्डन क्रेसेंट है ना वो अफगानिस्तान इस एरिया में होता है वैसे ही हमारा जो पंजाब वगैरह है हम पंजाब चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स देखते रहते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ दिस ड्रग मैनेस इज़ रियल तो एक चैलेंज ये भी हो सकता है दीज आर सम पॉसिबिलिटीज कि ये सिक्योरिटी में हमारे चैलेंजेस आ सकते हैं तो फिलहाल के लिए ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है तालिबान रियलिटी बन रहा है इंडिया यहाँ पे क्या करे ये अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और यू में अभी जैसे मिस्टर त्रिमूर्ति के स्टेटमेंट्स आए हम इस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे बिकॉज अगेन वर्ल्ड इवेंट्स में ऑल्दो वी नो अ लॉट मेनी थिंग्स इफ यू आर रेगुलर पिछले पाँच छः महीने में जो जो बातें बोली है ना सब हंड्रेड परसेंट ट्रू हुई है अभी तक तालिबान का भी और वर्ल्ड लेवल पे कैसे इवेंट्स भी चल रही है बट द पॉइंट इज हमें यहाँ जो हमारे फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है वो होता है हमारा इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड तो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड हम लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट से और अभी यूएनएससी में मिस्टर त्रिमूर्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है वो लाइन ऑफ एक्शन हम देखेंगे ओके बट फॉर नाउ अगेन दिस इज अ वेरी फ्लूड सिचुएशन दिस इज वेरी हॉरेबल सीन हम इसको कभी प्रमोट नहीं करेंगे कभी अग्री नहीं करेंगे जो उस टाइप के यहाँ पे ह्यूमन राइट वॉयलेशन देखने को मिले हैं ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं सो दिस इज ग्रीटिंग्स एंड विशेज बिफोर दैट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला डिसमिस करते हैं स्नूपिंग चार्जेस जो जांच स्नूपिंग दिस सर्वेलेंस की बात है पैगास सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने इसे बना कर दिया है नो अपोजिशन पार्टीज इन नागालैंड असेंबली टू चाइल्ड पॉलिसी ये भी अभी ड्राफ्ट बिल है अभी ये कुछ फाइनल हुआ नहीं है लेट इस वेट जब ये फाइनल हो जाएगा स्टैंड आ जाएगा तब इसमें बात करेंगे प्रिलिमिनरी वी नो कि दिस इज टू चाइल्ड पॉलिसी यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की पॉपुलेशन यूपीएससी यूपीएस, यूपी जो है दिस उत्तर प्रदेश ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है तो पॉपुलेशन इज अ चैलेंज अफगान इन इंडिया फियर फॉर देयर किन फॉर देयर किन उनके रिलेटिव वगैरह के स्टूडेंट्स भी अपील कर रहे हैं वीज़ा एक्सटेंशन के दे डोंट वॉन्ट टू गो बैक ये बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो रहा है यहाँ पर दैन एंटीसिपेटरी बेल इसने लिया यहाँ पे होमवर्ड बाउंड है दीज आर लेबरर्स और जो माइग्रेंट लेबरर्स है ना ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एल जी फॉर पैनल रिव्यू की ऑक्सीजन का शॉर्टेज कैसे हुआ था दिस इज सेफ ट्रेवल पाँच सौ रुपये में तुरंत टेस्ट हो जाएगा कोविड नाइन्टीन का दैन दिस इज नेक्स्ट पेज और ये है ग्रीटिंग्स एंड विशेज ग्रीटिंग्स एंड विशेज स्पेशल डे था अभी पार्सीज कम्यूनिटी का दे आर ग्रीटिंग ईच अदर बिकॉज ये जो ओकेशन है ये पारसी न्यू ईयर है पारसी पारसी लेटेस्ट लिटिल बिट सी पारसी जो होते हैं ना पारसी एक रिलीजन है पारसी जो होते हैं ये जोराश्रियन फॉलो करते थे और पारसी जो है ना तो जैसे ईरान है ईरान कंट्री है ईरान का पुराना नाम जो था ना वो पर्शिया था पर्शिया पर्शिया में ही रहते थे पारसी और ये फॉलो करते थे दिस जोराश्रियन तो पर्शिया जो था वो पुराना ईरान था अब जो पारसी रिलीजन है दिस इज़ अ वेरी ओल्ड रिलीजन इस्लाम रिलेटिवली न्यूअर है तो सेवन्थ सेंचुरी में जो पर्शिया था यहाँ पे इस्लाम आने लग गया और फिर ये ईरान बनेगा तो सेवनथ सेंचुरी में पारसी जो थे वो ईरान से माइग्रेट करते हैं अब अब लोकेशन देखिए ये इंडिया है ईरान यहाँ पर है ईरान से माइग्रेट करते हैं तो दे कम टू दिस गुजरात एंड महाराष्ट्र तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में सबसे ज़्यादा पारसी कम्युनिटी मिलती है गुजरात एंड महाराष्ट्र में ये अराउंड सेवन सेंचुरी से इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया फिर परसिया बन गया ईरान फरवा दिन जो होता है वो इनका नया मंथ है न्यू मंथ है तो फेस्टिवल जो होता है फेस्टिवल न्यू ईयर होता है वो यूजुअली तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स में होता है जो कि आता है अराउंड ट्वेंटी ऑफ मार्च को बट जो इंडिया में पारसी कम्यूनिटी है ना ये फॉलो करती है दिस शहनशाही कैलेंडर को और इनका जो न्यू ईयर होता है वो आता है अराउंड जुलाई और अगस्त में तो अभी अगस्त में इन्होंने ऐसे न्यू ईयर अपना सेलिब्रेट किया इसका नाम है नवरोज मुबारक हैप्पी पारसी न्यू ईयर अब इंडिया में पारसीज जो हैं माइनॉरिटी हैं पारसी कम्युनिटी का इंडिया में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रहा है इंडिया की सोशल सोशल एंड नेशनल लाइफ में इसी बात पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पारसी कम्युनिटी इन सोशल एंड नेशनल लाइफ इज इनकम्पेरेबल नेशन बिल्डिंग में आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पारसी समुदाय का तो इस योगदान को जानना भी जरूरी है ओके जैसे टाटाज वगैरह दीज आर ऑल पारसी इनका काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो पारसी कम्युनिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है इसीलिए अभी एक स्कीम भी आई थी जियो पार्सी जियो पारसी की पॉपुलेशन जो इनके नंबर्स हैं उसको भी इंक्रीज करें तो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वी नीड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट दिस पार्सी नवरोज और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल एंड नेशनल लाइफ प्रेसिडेंट साहब का स्टेटमेंट है दिस इज इंपॉर्टेंट ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे अब जो नेक्स्ट है दिस इज एडिटोरियल फॉल ऑफ काबुल विद अफगानिस्तान अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द तालिबान द फ्यूचर लुक्स ब्लिक सी काबुल और ये जो अफगानिस्तान है ना ये हमारे दिस मॉडर्न हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम फ्रंटियर गांधी वगैरह पढ़ते हैं तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी टूवर्ड अफ़गानिस्तान वो भी एक फेलियर ही रही है फिर महाराजा रंजीत सिंह का ड्यूरेशन हमने देखा था टेन्यर देखा था तो अफ़गानिस्तान अगर हम देखें ना अफग़ानिस्तान यूजुअली एक फ्रेंडली कंट्री रहा है इंडिया के लिए फॉल ऑफ काबुल एक मिस्टर खालिद हुसैनी एक राइटर है इनकी दो बुक मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी एक तो काइट रनर और दूसरी थी थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स इसमें उन्होंने यहाँ के कल्चर लाइफ स्टाइल इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा बताया है हैरारत वग़ैरह तो काबुल फॉल होना एक बहुत बड़ा इवेंट है फॉल ऑफ काबुल अफगानिस्तान अभी अंडर कंट्रोल है तालिबान का द सोल्जर्स डिड नॉट फाइट सबसे बड़ा जो इशू आया वो ये आया कि यहाँ की मिलिट्री ने फाइट ही नहीं किया

बिग कॉज ऑफ वरी बिकॉज जो तालिबान अभी तक का रहा है वो मेडिवल माइंड सेट है इनका और अब साथ ही साथ इनको मॉडर्न वेपन भी मिल गए सो दिस इज अग थ्रेट फॉर द एंटायर वर्ल्ड द लास्ट टाइम द तालिबान वर इन पॉवर वीमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क दे हैड टू कवर देअर फेसेज बी एकॉम्पेंड बाई मेल रिलेटिव आउटसाइड द होम्स गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल तालिबानो बैन टीवी म्यूजिक पेंटिंग फोटोग्राफी हैंडेड आउट those violating ऑफ पनिशमेंट code and persecuted माइनॉरिटी दिस is द रीजन कि पीपल में बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है फियर है और यहाँ पे ह्यूमन राइट है उसके ग्रॉस वायलेशन का थ्रेड बना हुआ है और इससे क्या होगा पीपल आर फ्लिइंग अवे उससे जनरेट होगा रिफ्यूजी क्राइसिस जो 20 साल का मॉडर्न अफगानिस्तान मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात थी वो अब बैकसीट लेती नजर आ रही है चाइना रशिया पाकिस्तान इनका क्या रोल होगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इन सबके काफ़ी बड़े स्टेक्स हैं इस न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इट रिमेन्स टू बी सीन वॉट काइंड रिजीम और अ स्ट्रॉगर तालिबान विल इंस्टॉल इन काबुल नया रिजीम क्या होगा नाइनटीन नाइन्टीज आर एनी थिंग टू गो बाय बिकॉज एक बार पहले भी आए थे नाइनटीन नाइनटी सिक्स टू टू थाउजेंड वन दैन इसके बाद फिर यू एस ए ने इंटरवीन किया और हामिद फिर यहाँ नए बने तो वो रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान अभी जो तालिबान बनाया है वो बनाया है इस्लामिक ऑफ़ दिस अफ़गानिस्तान तो नया रजीम क्या होगा देखना होगा डार्कर डेज आर अहेड इन अफगानिस्तान ये अभी सैड रियलिटी नजर आ रही है फॉल ऑफ काबुल देन दिस इज बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ये आर्टिकल है दिस इज़ अगेन एडिटोरियल एडिटोरियल्स क्या होते हैं कि पहले एक न्यूज़ आती है फिर कुछ टाइम बाद जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल लिखने वाले हैं काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस पर एक थाटफुल टेक लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटी होती है कि पहले न्यूज़ को देख लें कुछ ही दिन पहले हमने प्लास्टिक देखा सर्कुलर इकोनॉमी देखा 14 अगस्त को ही हमने ये देखा था प्लास्टिक बैन गवर्नमेंट ने बहुत सारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया अब हम इस पर एडिटोरियल टेक देखते हैं एडिटोरियल टेक भी नॉर्मल लाइन ऑफ एक्शन है कि प्लास्टिक इज बैड प्लास्टिक इज बैड फॉर अस बिकॉज प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है एटर्निटी में रहता है ये एनवायरमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाता है तो बनता है माइक्रो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक एनिमल्स लेते हैं फूड इनटेक करते हैं और फिर वो आ जाता है हमारा फूड वेब में फूड चेन में बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन ये दो टर्म देखे थे तो दो जरूरी चीज़ यही है कि हम प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम करें जो प्लास्टिक बन गया है उसको वापस री -उस करें रिड्यूस करें रिसाइकिल करें वी शुड गो फॉर दिस सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीनर प्रोडक्शन करें फ्यूअर रिसोर्सेज हो बेटर सर्विसेज हो जो प्लास्टिक है उसको कलेक्ट भी करें वेस्ट का सेग्रीगेशन हो और कलेक्शन हो वेस्टेज कम हो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम हो ये बड़ा अच्छा चार्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का एनवायरमेंट जीएस थ्री में आप देखते हो सर्कुलर इकोनॉमी की वर्ड लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट तो इंडिया ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है बेनिफिट होगा सोसाइटी को इकोनॉमी को और एनवायरमेंट को ओके okay? अजर्ट करें हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे इट वुड एलिमिनेट ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022 तो ये डेट आप लिखना 2022 तक इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बैन कर देंगे इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी है ये नंबर डेटा इंपॉर्टेंट है करीब चौतीस लाख टन जनरेट हुआ था उन्नीस बीस में प्लास्टिक इंडिया हैज़ अ स्टैगरिंग एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और जिसका केवल 60 प्रतिशत ही रिसाइकल हो रहा है तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी 40 प्रतिशत साइकिल इस चौंतीस लाख टन का हर साल एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हम जस्ट आर थ्रोइंग इट जस्ट लाइक दैट डिकम्पोज तो होता नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा प्लास्टिक वेस्ट का मॉन्स्टर बन रहा है वेस्ट सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट की है मतलब जहां वेस्ट बना घर से ही उस वेस्ट को आप सेग्रीगेट करो कि ये प्लास्टिक है ये डिकम्पोजेबल है ये हार्मफुल हो सकता है ये मेडिकल वेस्ट है इस टाइप से वेस्ट सेग्रीगेशन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी हो अमेजोन फ्लिपकार्ट इतने बढ़िया फैंसी पैकिंग के साथ आपको प्रोडक्ट भेजते हैं उसको कलेक्ट भी करें वो उसको रीयूज करें रिड्यूस करें पैकिंग मटेरियल भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्टरनेटिव ढूंढे सी जब भी हम स्ट्रैटी फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम किसी एक चीज़ को हटा रहे हैं ना तो उसका रिप्लेसमेंट भी लेके आए अगर हम इस चीज़ को जस्ट लाइक दैट हटा देंगे रिप्लेसमेंट रेडी नहीं है तो उससे क्या होगा के ओस होगा एंट्रोपी होगी तो वी कैन वी शुड अवॉइड रिमूविंग प्लास्टिक्स जस्ट लाइक दैट एट द सेम टाइम हमको उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए रिसर्च ढूंढे ऑल्टरनेटिव मतलब देर शुड बी सम रिप्लेसमेंट माइक्रो प्लास्टिक्स पे हम ध्यान दें और बिहेवियर चेंज होना भी बहुत जरूरी है सर्कुलर इकॉनमी फॉर द मैसेज फ्रॉम द आईपीसीसी रिपोर्ट के वीडियोज देखिए आई इन टेलीग्राम मैसेज फ्रॉम द आईपीसीसी रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट है ना छह साल में आती है अभी 2021 में आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक दो साल के एग्जामिनेशन में हर जगह ये पूछा जाएगा इक्विटेबल क्यूमुलेटिव टारगेट नॉट नेट जीरो इज द की टू अचीविंग द पेरिस अग्रीमेंट टेम्परेचर गोल पेरिस अग्रीमेंट क्या है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण इस ग्रीन हाउस गैसेस को आप कट करो ग्लोबल वार्मिंग को चेक करो और ये जो जिम्मेदारी है ना ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जैसे यूएसए है इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है बजाय इंडिया के तो द पॉइंट इज नेट जीरो इज टारगेट हर किसी का टारगेट है बट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज फाइट करें डिफरेंशियटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेवलप्ड है वो ज्यादा पैसे दें बजाय डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के क्लाइमेट चेंज रियलिटी है थ्रेट अनप्रेसिडेंटेड है आईपीसीसी रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इसमें जो भी बोला जाता है उसका साइंटिफिक प्रूफ होता है तो उसको आप नकार नहीं सकते साइंटिफिक बैकिंग है ग्लोबल कलेक्टिव एफर्ट्स जरूरी है दिस इज हाई टाइम अब यहाँ कुछ पॉइंट्स बड़े अच्छे लिखे हैं ये पूरा जो पैराग्राफ है ना समराइज बड़ा अच्छा किया है फोकसिंग ऑन डेफिनेटिव डेफिनेट क्यूमुलेटिव एमेजन टारगेट कीपिंग इक्विटी इक्विटी मतलब इक्विटी का कॉन्सेप्ट देखा ना जो जितना केपेबल है उसके हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी हिस्टोरिकल भी हम टेक इन करें इमिजिएट एमिजन रिडक्शन करें बाय द डेवलप्ड कंट्रीज विद फेज आउट डेट्स फॉर ऑल फॉसिल फ्यूल्स मैसिव इन्वेस्टमेंट हो नई टेक्नोलॉजी में डिप्लॉयमेंट हो सीरियस पुश हो मोबिलाइजेशन ऑफ एडिकुएट क्लाइमेट फाइनेंस बिकॉज क्लाइमेट से लड़ाई करना है क्लाइमेट चेंज से तो पैसे चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस

सी सेट का पेपर टू में पैराग्राफ्स आते हैं आती है यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट कॉम्प्रीहशनिंगे इससे आपका करंट अफेयर्स न्यूज ठीक होता है ब्रॉड आपको जानकारी मिलती है वॉट आई मीन टू से कि अगर हमको बहुत एफिशिएंट वे में पढ़ना है ना एग्जाम तैयारी करना है सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तो इसीलिए न्यूज़पेपर इसके लिए सिंगल बेस्ट सोर्स है जिसको हमें एवरीडे फॉलो करना चाहिए दिस इज रियली गुड ओके तो जैसे इसमें ये जो बात लिखा ना कितने अच्छे से आप इसको फॉर्डर पॉइंट्स भी लिख सकते हो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है डाउन टू अर्थ वगैरह ये ना फिजिबल नहीं होता है हम सोचते हैं ई डब्ल्यू भी हम पढ़ लेंगे इकोनॉमिक वीकली पढ़ लेंगे डाउन टू अर्थ योजना कुरुक्षेत्र भी पढ़ लेंगे फिर ऑप्शनल भी तैयार कर लेंगे डेली ये न्यूज़ भी देख लेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली अगर एक साल में एग्जाम निकालना है ना तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती बट अगर आप रेगुलर हो न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें आप देखना सब कॉन्शियसली इनडायरेक्टली आप प्रिपेयर करोगे इस एग्जामिनेशन के लिए वट आई मीन टू से न्यूज पेपर इज मस्ट द बिग अपॉर्चुनिटी अब ये जो चीज़ है ना ये अगला आर्टिकल है बिफोर दैट दिस इज रिकॉर्डिंग द तमिलनाडु बजट ये बात है यू एस पाकिस्तान टाइज अमिट चेंजेस इन अफगानिस्तान अब यहाँ पाकिस्तान और यू एस के जो टाइज है ना आप पहले जैसे नहीं रहेंगे अभी तक क्या था यू एस पाकिस्तान को काफ़ी हद तक झेलता भी था क्यों क्योंकि उसको एक्सेस चाहिए होता अफगानिस्तान में जिस तरीके से यूएस अब भागा है अफगानिस्तान से तो जैसे ब्रिटिशर्स ने दोबारा मुड़ के नहीं देखा ना अफगानिस्तान में ऐसे यूएस भी अब नहीं देखने वाला अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान का फैक्टर अगर हट गया तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी हट गई ये बात पाकिस्तान भी जानता है इसीलिए पाकिस्तान अब नया फ्रेंड बना रहा है जिसका नाम है चाइना यूएस पाक टाइज द बिग अपॉर्चुनिटी द राइजिंग यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया कैन बी अल्वर लाइनिंग पॉपुलेशन अगर वेल well ट्रेंड है एजुकेटेड है स्किल्ड है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंट्री बिल्डिंग के लिए हमें इधर फोकस करना चाहिए ये जो हमारे 1.31 बिलियन लोग हैं ये एक बर्डन नहीं है दिस इज एन अपॉर्चुनिटी द नीड ऑफ़ द आवर इज फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पीपीपी मॉडल हम काम में भी लाएं एजुकेशन में भी लाएं कल ही हमने एजुकेशन गुजरात का एक एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पी पी मॉडल से स्कूल्स बन रहे हैं कंजंक्शन टू ब्रिज द गैप एजुकेशन एंड स्किलिंग आर ऑल्सो की कॉम्पोनेट्स इन एनहेंसिंग द केपेबिलिटी ऑफ द ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन रियलाइज कर पाएँ वो अपने फुल पोटेंशियल को वो स्किल्ड हो उनको नॉलेज हो मोर ओवर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स नीड टू बी बेटर सपोर्टेड फॉर फर्दर जॉब क्रिएशन लेबर इंटेंसिव सेक्टर कैसे होते हैं जैसे अपैरल कपड़ा बनाने का तो यहाँ जो चीज़ें हैं न उसके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी सो वॉट वी नीड टू डू इज

एजुकेशन दें पॉपुलेशन को स्किल सेट्स दें और ऐसा स्किल सेट्स दें जिससे वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके जिससे वो दो पैसे कमा सके तो ये जो चीज अगर हम देखेंगे ना तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा स्ट्रांग इंडिया का स्ट्रेंथ बन सकता है वर्ल्ड लेवल पे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एजेंसीज ब्रेज फॉर शार्प राइज इन ड्रग ट्रैफिकिंग सीज रीडिंग वन रिपोर्ट तालिबान की इनका पैसा कहाँ से आता है तालिबान का जो प्राइमरली जो पैसा आता है ना उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है रिसोर्सेज ये इलीगल सेल करते हैं प्लस इनको फंडिंग भी मिल जाती है कभी पाकिस्तान से कभी चाइना से और ये ड्रग ट्रैफिकिंग भी करते हैं अब बिकॉज दे आर इन नाउ इन पावर तो दे विल ऑबियसली ट्राई टू पुश दिस कॉज और फिर ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए बिकॉज दे आर हैविली डिपेंडेंट ऑन दिस मनी टू मेनटेन कंट्रोल दिस इज द कॉज ऑफ वरी ये यहाँ पे लिखा है ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है केस फॉर थर्ड पार्टी फंडिंग है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा तमिलनाडु स्टैंड ऑन फ्यूल टैक्सेज सी एजेंसीज ब्रेस फॉर शार्प राइज इन ड्रग ट्रैफिकिंग दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन मस्ट है इंडिया में अब सी अभी हम यू के चेयरमैन है तो यू एन में ये इंडिया के एम्बेसडर है मिस्टर टी एस त्रिमूर्ति बड़े थॉटफुल लॉजिकल और बैलेंसड इन्होंने यहाँ पे व्यू पॉइंट्स रखे हैं हमें इन व्यू पॉइंट्स को समझना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मंडे ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन जरूरी है अफगानिस्तान कैन नॉट एवर अगेन बी अ बेस फॉर टेररिज्म टेररिज्म यहाँ पे नहीं पनपने देना है सी यूएस चाइना एट यू एन एस सी मीट एज वेल तो दिस इज अगेन अवर लाइन ऑफ एक्शन एक्सेप्टेबिलिटी लेजिटिशी इन सब बातों को कहा है और ये एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं हो इंडिया के अगेंस्ट में ये भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा अभी अगेन इट्स वेरी अर्ली टू टॉक ऑन ऑल दीज मैटर्स लेट इस वेट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स ऑगस्ट डीजल डिमांड नियर प्री कोविड लेवल इसका मतलब है कि नॉर्मल सी आ रही है डीजल पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है देखिए ढाका ने भी क्या कहा डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान चाहिए बांग्लादेश वुड बी हैप्पी टू तो कंटिन्यू टू वर्क विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान अफगानिस्तान में भी हमने शुरू से एक ही चीज़ कहा है कि अफगानिस्तान में जो भी हो वो पीपल ड्रिवन होना चाहिए अफगान लोगों की चॉइसेस से होना चाहिए अफगान के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए एटलीस्ट दीज मैनी कोवैक्सिन सेकेंड डोज मिस कर दिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट लॉगर हेड्स पे है गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को थोड़ा अंडरमाइन कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्ट संज्ञान लिया है हाउ तालिबान टू काबुल विदाउट अ फाइट दिस इज अस्ट्री कि यहाँ की फौज ने लड़ाई नहीं की फाइनल विक्ट्री स्टार्टेड अपसी इसका भी जो प्लेटफॉर्म है ना वो फेब्ररी से रेडी हो गया है इवन ओबामा के टाइम से ही रेडी हो गया था यूएसए को समझ में आ गया था अफगानिस्तान में लड़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं प्लस इन्होंने गोल पोस्ट भी चेंज कर दिया अफगानिस्तान में बराक ओबामा की अभी जो नई बुक आई है ना उसमें बड़ा एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है अभी रिसेंटली कल परसों ही मैंने उसको पढ़ा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यूएस यहाँ से जाना चाहता है वो बस मौके और एवेन्यूज ढूंढ रहा था कि कैसे वो एग्जिट करें यहाँ से बट जिस तरीके से एग्जिट हुआ है ना वो बहुत ही ज़्यादा सवाल खड़े करता है यूएस की पॉलिसीज़ में तो तालिबान टू काबुल विदाउट अ फाइट दूसरी बात यहाँ की मिलिट्री यहाँ की गवर्नमेंट क्यों इन लोगों ने 20 साल में खुद को राइज नहीं कर पाए दिस इज अगेन अ क्वेश्चन चाइना सेज इट होप्स तालिबान विल इन्श्योर स्मूथ ट्रांजिशन चाइना तो चाइना ही है देन अफगानिस्तान जुलाई डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन स्लोज स्लाइटली टू इलेवन पॉइंट टू परसेंट सी ये नंबर कम हुए पिछले बार 12 परसेंट के ऊपर था बारह दशमलव एक एक प्रतिशत कम हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल मतलब थोक होता है सीपीआई जो होती है वो खुदरा होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये भी कम हुई है इट्स गुड कीमतों में कमी होना चाहिए ऑगस्ट डीजल डिमांड भी ऊपर बढ़ी है इनकम टैक्स पोर्टल जो अभी इन्फोसिस ने बनाया है नया पोर्टल आया है इसमें बड़े ग्लेचेज आ रहे थे दो तीन दिनों में ये फंक्शनल हो जाएगा ऐसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा चाइना की इकोनॉमी भी स्टॉल हो रही है फैक्ट्री आउटपुट अब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ की जो यहाँ के जो डेमोग्राफी है वो एजिंग हो रही है एजिंग हो रही है जो पहले वर्कर्स होते थे बड़े सस्ते में बिना ह्यूमन राइट्स के ये काम करवा लेते थे अब वो जो वर्कर्स हैं वो मिडिल इनकम इस ब्रैकेट में आ गए तो वो अब पहले जैसे अपना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे तो इस बात से जो चाइना है ना ये यहाँ पे चाइना ट्रबल में है दूसरी बात अब जो मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं वर्कर्स जो पहले लोअर इनकम में थे अब इनके एस्पायरेशनस भी बढ़ेंगे कंजम्पशन भी बढ़ेगा तो चाइना का इम्पोर्ट भी बढ़ेगा तो दैट इज़ वाई चाइना की जो इकोनॉमी है वो अभी डिफिकल्ट फेज में आ रही है ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ा थ्री फोल्ड इन अप्रैल जुलाई रबर नेचुरल रबर का हम फ्री इम्पोर्ट करने की मांग कर रही है ए टी एम प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर टैक्सेबल होगा कॉम्पोजिट सप्लाई एटीन परसेंट टैक्स लगेगा कल बड़ा अच्छा दिन था स्पोर्ट्स के लिए इंडियन पेसर्स पुल ऑफ फेमस विन शमी मोहम्मद शमी और बुमराह ये टेल इंडर्स हैं बॉलर्स हैं बेसिकली बट इतना अच्छा बैटिंग किया है इन्होंने ना एक्सेलेंट। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव डेडिकेशन इन प्राइड एंड नेवर क्विट यू विल बी विनर। द प्राइस ऑफ विक्ट्री इज हाई बट सो आर द रिवॉर्ड्स ये लिखा है बेअ ब्रांड ने हमें इसको एलोबोरेट करना है गूगल ने इसे डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया है तो यह भालू हो गया इट इज नॉट भालू दिस इज सो फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट इफ यू बिलीव इन यूर सेल्फ खुद पे भरोसा है डेडिकेशन है और आप एक गर्व भी है आप में आपके काम पर और आप क्विट नहीं करते यू विल बी अ विनर द प्राइस ऑफ विक्ट्री इज हाई बट सो आर द रिवॉर्ड अब ये जो स्टेटमेंट है ना ये ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जी एस फोर में एथिक्स रिलेटेड कुछ आते हैं टू ट्राई टू कनेक्ट दिस विद दिस जी एस फोर अब इसमें आप देखो जो हमारी विक्ट्री लेनी है हमें विक्ट्री लेनी है विक्ट्री कितनी सारी चीज़ों पर आप ले सकते हो विक्ट्री हमें कोविड पे लेनी है विक्ट्री हमें पॉवर्टी पे लेनी है विक्ट्री हमें गवर्नेंस गुड गवर्नेंस देना है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं थिंक कितने सारे रेडीमेड पॉइंट्स हैं हमारे प्राइस ऑफ विक्ट्रीज हाई बट सो आर द रिवॉर्ड्स अगर इस पे जीत हासिल करेंगे तो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और इस विक्ट्री में हमें ह्यूमन वैल्यूज है एथिक्स में दिया है ना ह्यूमन वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज में खुद पे भरोसा रखो डेडिकेशन रखो प्राइड फील करो इफ यू आर डूइंग दिस गवर्नमेंट जॉब प्राइड फील करो इनफेक्ट एवरी जॉब में और क्विट नहीं करना है तो ट्राई टू इलेबोरेट स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट so, हमारा जो एंड गोल है ना एंड गोल हमारे हमेशा जस्टिस होता है इक्विटी नहीं तो हमें जस्टिस की तरफ बढ़ना है कि ये सारे टर्म्स ही इेलिवेंट हो जाए दिस ऑल टर्म्स

देन दिस इज दिस इज गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स ट्रिब्यूनल लॉ के लिए फ्लैश पॉइंट हो रहा है लजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में कॉम्यूनिटी ड्राइव्स ओडिशाज मो स्कूल मो स्कूल मो स्कूल मतलब उड़िया में मो को माई स्कूल बोलते हैं तो मो स्कूल मतलब माई स्कूल तो ये बड़ा अच्छा इनोवेशन है इसको आप नोट कर लो और केस स्टडी में कहीं यूज़ कर लेना इसमें क्या किया जैसे गाँव के जो विलेज हैं प्राइमरी स्कूल हैं विलेज के या इनको ये नॉलेज हाउस बना रहे हैं मैगजीन्स हैं बुक्स हैं स्मार्ट क्लासरूम्स हैं प्रोजेक्टर्स हैं वाइट बोर्ड्स हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सी लुक एट दिस स्कूल ये सरकारी स्कूल है यहाँ पे गंजम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कैंपेन से इतने स्कूल्स का तो ये क्या बता रहा है जैसे मैंने एक सवाल भी देखा था गवर्नमेंट बैग्ड स्कूल्स को हम कैसे ठीक करें ठीक हम कर सकते हैं जब हम कनेक्ट करें कोलाबोरेट करें कॉन्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ जो है ना कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिख रहा है कम्युनिटी जो है यहाँ की विलेजर्स जो हैं एलुमनाई है, है जैसे आप किसी स्कूल से पास हुए हो कॉलेज से तो आप भी उस स्कूल कॉलेज को हेल्प करना चाहोगे एलुमनाई सपोर्ट स्कूल सो द पॉइंट इज यहाँ पर इन सब ने कॉन्ट्रीब्यूशन कोलेबोरेशन कनेक्ट किया और चौक एंड डस्टर इनिशिएटिव भी पहले लेके आए थे ये सब स्टार्ट कर रहे हैं मो स्कूल तो ऐसा एक अच्छा माहौल में बच्चों को एडवांस्ड सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और ये कलेक्टिव इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा तो दिस इज अगेन अ गुड मैसेज चौक एंड डस्टर इनिशिएटिव ये था कि जो टीचर्स रिटायर हो गए वो वॉल्टरी स्वेच्छा से आके कुछ बच्चों को पढ़ाएँ तो इससे भी जो शॉर्टेज ऑफ टीचर्स होता है या क्वालिटी हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वो पॉसिबल होगा देन दिस इज एडिटोरियल पेज काबुल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया फ़िलहाल के लिए तो हमारे जो हैं उसको हमें इवैक्यूएट करना है सेफ गार्ड करना है बॉर्डर टेंशन में भी हमें यहाँ पे इसके रिपरकशंस आने नहीं देने हैं द चेंजिंग अफगानिस्तान पाकिस्तान ये जो है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनके भी रिलेशन अब ऐसे नहीं होंगे लेटेस्ट वेट फॉर समाइम रिलेशन आर गोइंग टू बी डिफरेंट ओके देन दहली यहाँ पे क्या एक्शन लें यह भी एक बात है मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बिग टैलेंट पुल स्पोर्ट्स में जरूरी है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स के लिए दिस इज हर ओन लैंड अब सी जेंडर इक्वल लैंड राइट्स भी ज़रूरी है जैसे ज़मीन वगैरह होता है तो पहले क्या होता था जैसे जो आ, बॉय है या फिर गर्ल है तो डॉटर एंड सन इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता था वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर इक्वल लैंड राइट्स ज़रूरी है सेवेंटी फाइव ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वैसे इस पर एक रूल आ गया था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें बोथ डॉटर एंड सन इक्वली हकदार है स्टार्टअप एंड स्टैंड टॉल न्यू इको सिस्टम कैन हेल्प इंडिया बिकम अ पॉवर हाउस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इंडियन स्टार्टअप देन दिस इज यू एस रश इज मोर टूप टू कम केवैक्शन यू एन एस सी की जो मीट है ओके यू एन एस सी और जो वर्ड है इसको रेस्पॉन्सिबली और क्विकली एड करना एक्ट करना जरूरी है वरना यहां बहुत बड़ा एक ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा एक नाइटमेर होने वाला है

गति शक्ति टू बिल्ड बिल्ड ऑन एन आई पी दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पहले ये आया था हम हमेशा कोशिश करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं इंफ्रा मतलब रोड्स वेयर हाउसेज हा। बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स नए हो रहे हैं इससे क्या होता है जॉब जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो गति शक्ति जो है ना वो इसी को और एम्फेसाइज करेगा एन आई पी को फर्दर जो इसके डिटेल्स हैं अभी अनाउंस होंगे अनाउंसमेंट्स टू बी मेड इन ड्यू एफ एम ने का फाइनेंस मिनिस्टर अर्बन जॉब लॉसेज आठ हफ्ते हाई पे है टेन पॉइंट टू थ्री परसेंट गांव में नौकरी नहीं होती हम एम जी नरेगा ले आते हैं बट वॉट अबाउट अर्बन पीपल शहर में जो लोग रहते हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी यूएस ओपन सेफ्टी प्रो टेस्ला का ऑटो पायलट तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस अब हम देखते हैं जनजातीय आजीविका कार्यक्रम कुछ ही दिन पहले हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा ट्राइब्स के बारे में ये बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनजाति एक बड़ा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का तो इनके आजीविका एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जो हमें पता होना चाहिए वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट जनजातीय यूजली फॉरेस्ट एरिया में रहती है तो जो फॉरेस्ट के राइट्स है जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह हुआ तो वहां पे इन्हें स्वामित्व अधिकार दिए गए हैं इस मायने में एक पथ प्रदर्शक अधिनियम है पहली बार इसने न केवल पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि के वैध मालिकों के रूप में मान्यता दी और उसके संरक्षण हेतु भी जवाबदेह बनाया तो इसका नाम याद रखना है वन अधिकार अधिनियम 2006। पेसा, जैसे पहले आया पंचायती राज इंस्टीट्यूट बट पी को ट्राइबल एरिया में कैसे इंप्लीमेंट करें तो उसके लिए आया पैसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक उन्नीस सौ ये ग्राम पंचायत को वन उपज फॉरेस्ट प्रोड्यूस जनजातियों के मुद्दों के समाधान हेतु ऑनरशिप देता है राइट्स देता है जनजातियों की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनके बच्चों को सबको एक शिक्षा मिले वो भी स्ट्रीम लाइन आए मेन स्ट्रीम में आए तो आदिवासी बहुल प्रखंडों में बालिका छात्रावास आश्रम स्थापित करते हैं ये नाम याद रखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पे स्थापित किए वन बंधु कल्याण योजना है इसमें भी समग्र विकास और कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं सूचकांक इनका बढ़ाने की बात की जा रही है इनको सपोर्ट देने की कोशिश हो रही है हस्तशिल्प बिकॉज जो जनजातियाँ हैं इनका एक लोकल क्राफ्ट्समैनशिप भी होती है क्राफ्ट्समैनशिप दे आर वेरी गुड इन सर्टेन एरियाज जैसे कि वस्त्र आभूषण हस्तशिल्प बनाते हैं तो ये जो इनका टैलेंट है क्यों ना इसको उसको मोनिटाइज़ किया जाए तो मोनिटाइज़ करने के लिए ट्राइफेड भी इसमें काम करता है कि आप देखना ट्राइबल एरिया की कोई साड़ी है या ट्राइबल एरिया का कोई स्कल्पचर है इस टाइप की चीज़ें वो सेल होती है और इनसे इनको पैसे भी मिलेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा तो दिस इज़ हस्तशिल्प तो वन अधिकार अधिनियम है पैसा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वन बंधु कल्याण योजना है जनजातीय हस्तशिल्प है ये जो टॉपिक है ना ये भी फेवरेट टॉपिक है कि जो ट्राइबल्स हैं ट्राइबल्स को हम कैसे बेनिफिट्स दें सी सेट है सबसे पहले अराइवल होता है अराइवल के बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा इंट्रोड्यूस करके वो अपना प्रेजेंटेशन देगा जो प्रेजेंटेशन दिया है उस पर डिस्कशन होगा डिस्कशन के बाद फिर फाइनल रिकमेंडेशन होगी तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा दिस 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 टोटल वोट्स इतने थे 20 परसेंट इन हो गए तो वैलिड कितने हुए 80 परसेंट तो पचहत्तर का 80 परसेंट वैलिड वोट्स है पहले कैंडिडेट को पचपन मिले टोटल वैलिड वोट्स के मतलब इसके इसका पचपन मिले तो सेकेंड कैंडिडेट को बचे हुए मिलेंगे पचपन इसको मिले तो पैंतालीस सेकेंड को हो गए बिकॉज टोटल तो हंड्रेड ही होता है फोर्टी फाइव परसेंट हो गया तो है, तो पहला number 120 of X हो गया मतलब 6X by 5. Second number क्या डेढ़ सौ परसेंट ऑफ एक्स मतलब तीन एक्स बाय दो यहाँ पे दिया है तो दैट इज फोर आज के सवाल है हाउ मेनी आयरन रॉड्स ईच लेंथ सात मीटर और डायमीटर दो सौ दो सेंटीमीटर स्पीड this this, this this. क्या है बीस किलोमीटर पर आवर वॉट टाइम विल द वॉटर राइज बाय दो मीटर अब टैंक का दो मीटर मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लो और वॉटर से कितना वॉल्यूम आ रहा है पर मिनट और टाइम से डिवाइड कर दो यू विल गेट द Then, there is a cylinder circumscribing the hemisphere. एक सिलेंडर है, है, है ऐसे हो गया और ये सिलेंडर हो गया फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम ओके वॉल्यूम का रेशियो बताइए सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे दिस इज सी सेनजातीय आजीविका कार्यक्रम देन दिस इज प्रेसिडेंट साहब और ये है मू स्कूल ओडिशा में आप इसको एलेबोरेट करो स्टेटमेंट को जुलाई डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन है बिग अपॉर्चुनिटी मैसेज फ्रॉम द आई पीसी रिपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी अबाउट प्लास्टिक्स ऑफ प्लास्टिक नवरोज मुबारक ओके सो दिस इज ऑफ़ थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ